अच्छा जी फैसलाबाद को लैरपुर भी बोलते हैं लैरपुर पाकिस्तान का एक तीसरा बड़ा शहर है जब मेरे दादा अबू जिंदा हुआ करते थे ना तो दादा अबू मेरे ना फैसलाबाद को लैल जिट्स में शामिल है अच्छा जी भाई साहब जो मैंने दरा से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ की है ना माशा बड़ी कमाल की प्रोडक्ट चेज़ परचेज़ की है भाई साहब मैंने ये चेक करें ये गाड़ी के जो अंदर वाला मिरर होता है ना उसके साथ यहाँ से लग जाए बसमीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ करता हूं आज के विलोक को स्टार्ट मेरा नाम अब्दुल मोइस मकबूल है और आप सब अजीज दोस्त फैमिली मेंबर्स व्यूवर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप सब दोस्तों से मुखातिब हूं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू तो अजीज दोस्तों आज ईद के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आप दोस्तों की ईद कैसी गुजरी है कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा अजीज दोस्तों हमारी पहली ईद थी अब्बू जान के बगैर तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे वालद मोहतरम की मगफरत फरमाएँ उनकी कब्र की तमाम मंजिलों में आसानी पैदा फरमाएँ तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मेरे साथ जुड़े रहें बने रहें आज इनशाला मैं आप सब दोस्तों को अपने गैजेट्स दिखाने वाला हूं YouTube चैनल पे काम करने के लिए जिन गैजेट्स का मैं इस्तेमाल करता हूं वो सब इस ब्लॉग में इनशाला मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा लाइक भी कर लीजिएगा शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई साहब साथ ये कि बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरे अगले आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना वो आप सब तक पहुँच सके तो अजीज दोस्तों बगैर किसी डिले के आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीज दोस्तों आजकल जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं उन सबको जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ख़ासतौर तो पे उन सबको आप दोस्तों की व्यूवर्स की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके भाई को भी भाई साहब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अगर आप व्यूवर्स में से कोई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे अगले आने वाले व्लॉग्स आप सब तक पहुंच सके तो अजीज दोस्तों आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह मैं आप सबको अपने गैजेट्स दिखाने वाला हूं जो गैजेट्स मैं नॉर्मली अपना व्लॉग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूं आ, तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें मेरे व्लॉग को मुकम्मल देख लीजिएगा बहुत शुक्रिया आप सबका बसमिल अज़ीज़ दोस्तों आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि आज इन आप सबको अपने गैजेट्स दिखाऊंगा जो व्लाग बनाने के लिए मोस्टली मैं यूज़ करता हूं भाई सब सबसे पहले जो गैजेट में इस्तेमाल करता हूं मैं ये ट्राईपोड है ट्राईपोर्ड माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मोस्टली ये ट्राईपोर्ड जो है वो मेरे बैग में ही हुआ करती है इजी टू तो यूज़ है और बहुत फ्लेक्सिबल है मोबाइल लगाएं और इसको, इसको इस्तेमाल करें और मोस्टली जब मैंने अपने आप को व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाना होता है और ब्लॉग एंड करना होता है तो इसी ट्राईपोर्ड को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ अच्छा जी फैसलाबाद को लैलपुर भी बोलते हैं लैलपुर पाकिस्तान का एक तीसरा बड़ा शहर है जब मेरे दादा अबू जिंदा हुआ करते थे ना तो दादा अबू मेरे ना फैसलाबाद को लैलपुर कहा करते थे तो आजकल तो खैर फैसलाबाद को मानचेस्टर भी बोलते हैं मानचेस्टर है तो वैसे एक्चुअली में इंग्लैंड का एक सिटी लेकिन यह है कि फैसलाबाद एक सनती लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी है और उसको मानचेस्टर भी बोलते हैं तो खैर गैजेट्स में इधर सबसे पहला जो मेरा गैजेट है ना ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ट्राईपोर्ड और दूसरे नंबर पे इधर मेरे पास वायरल का ये माइक्रोफोन है 2.4G इसका इस्तेमाल अभी मैंने करना स्टार्ट तो नहीं किया इन आने वाले व्लॉग्स में इसका प्रॉपरली इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट करेंगे ये वायरलेस का नॉइस कैंसलेशन माइक है ये भी फैसलाबाद रेक सिटी से ही मैंने परचेज किया था ये मॉडल है जी इसका एम और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है सिक्सटी फाइव है और माशा इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है मैंने इसका एक टेस्ट लिया था टेस्ट के तौर पर यूज़ किया था तो माशा इसका काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट निकल के सामने आया था क्योंकि जब ये मैंने यूज़ किया था ना तो आवाज़ जो है वो नॉइस कैंसलेशन के साथ मुझे मिली थी व्लॉग में तो इन आने वाले व्लॉग्स में इसका इस्तेमाल भी करना स्टार्ट करेंगे मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ इसको इधर मैंने वायरलेस माइक्रोफ़ोन की अनबॉक्सिंग कर ली है इधर हमारे पास मौजूद है जी डाटा केबल छोटी सी एक डाटा केबल इसके साथ दी गई है और साथ में ये वाला जो पार्ट है ना ये मोबाइल के साथ अटैच हो जाता है और इसके बिल्कुल साथ माइक है इसको लगा के इजीली हम जो है अपना व्लॉग बना सकते हैं और जो आवाज़ निकल के आती है ना माशाला वो बहुत अच्छी निकल के आती है खैर इधर इसका बॉक्स है जी और इसकी बैटरी टाइमिंग बड़ी कमाल की है भाई साहब मैंने इसका टेस्ट लिया था तो माशाला बैटरी टाइमिंग जो है ना इसकी बहुत ही कमाल की है तो इन इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में इसका इस्तेमाल करना भी स्टार्ट करेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई गैजेट में इस्तेमाल करता हूँ ना तो ये ट्राईपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ अजीज दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग को लाइक करना ना भूलिएगा शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी इधर मेरे पास मौजूद हैं आर्डियनिक के मेरे फेवरेट एयरबर्ड्स काफ़ी अरसे से मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूं और भाई साहब ये माशाल्लाह इनकी बैटरी टाइमिंग ना कमाल की है दो दो तीन तीन दिन निकल जाते हैं ब्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए मोस्टली आर्डियनिक के एयरबर्ड्स जो हैं ये मैं यूज़ करता हूँ अभी मैं इनको खोल के भी दिखा देता हूँ ये मैंने ऊपर पैकिंग जो है इसकी ली हुई है जी अजीज़ दोस्तों इधर है जी मेरे फेवरेट आर्ड्योनिक के एयरबर्ड्स काफ़ी अरसे से इन एयरबड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आलमोस्ट टू टू थ्री इयर्स तो हो ही गए हैं माशाल्लाह इस्तेमाल करते हुए ना भाई साहब दो क्वालिटीज़ इन एयरबड्स के हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एक तो भाई साहब इनकी जो नॉइस है ना माशाल्लाह इनकी आवाज़ है ना वो बहुत क्लियर है मोस्टली व्लॉग एडिट करने के लिए आ, कोई व्लॉग वगैरह देखने के लिए कोई मैच वगैरह देखने के लिए मैं इन एयरबड्स का इस्तेमाल करता हूँ और इनकी जो एक दूसरी बैटरी टाइमिंग है ना माशाल्लाह वो बड़ी कमाल की है दो से तीन दिन जो है ना ये बैकअप बैटरी टाइमिंग जो है वो मुझे दे देते हैं और भाई साहब इधर मेरा एक बहुत ही पुराना सेलफ़ोन नोकिया का और देखें बटनों का कलर भी जो है ना वो उतर चुका है लेकिन सात आठ साल से ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन कॉल वगैरह के लिए कवर भी भाई साहब बुरी हालत हुई हुई है फटा हुआ हुआ है अच्छा खैर जी इधर आज हाँ मेरा वीवो का चार्जर ये वीवो का मोबाइल जो है वो मैं यूज़ करता हूँ व्लॉग बनाने के लिए तो ये इसका चार्जर है इसकी भी हालत कुछ ऐसी है टूट गया इधर से और इधर भाई साहब वन ऑफ माय फेवरेट बुक एचपी का लैपटॉप है अच्छा इसके हवाले से मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ ये लैपटॉप है ना ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था आज से सात साल पहले सेवन ईयर्स अगो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था लैपटॉप और मोस्टली जो डाटा वगैरह मैं ट्रांसफ़र करता हूँ डाटा अपना रखना होता है इसी लैपटॉप में मैंने रखना होता है मोस्टली जो डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए ना इसी लैपटॉप का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इधर भाई साहब ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है और इसके साथ यू एस बी फ़ैन भी मोस्टली मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जब गर्मियां भी गर्मियाँ आने वाली हैं ना तो यू एस बी फ़ैन जो है ना इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ डाटा केबल के थ्रू तो ये काफ़ी मतलब लैपटॉप को रिलैक्स रखता है गर्म नहीं होने देता और इधर भाई साहब आज ही मैंने दराज से ऑनलाइन जो है एक गैजेट मंगवाया है इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ कि ये कौन सी चीज़ है इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और इन आप सबको ये भी दिखाता हूं। तो भाई साहब गैजेट्स में ज़्यादातर जो है वो मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूं, अपना डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए ब्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए साथ में इधर मेरे पास ट्राईपोड मौजूद है और भाई साहब ये मोबाइल जो है ना अलहमदिल्ला पहले भी मैंने आप सबको बताया है कि ये मोबाइल कोई सात आठ साल से मेरे पास है अलहमद चल रहा है कॉल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं ये है जी मोबाइल होल्डर कार का जो अंदर वाला मिरर होता है ना गाड़ी का अंदर वाला मिरर होता है उसके साथ मोबाइल को होल्ड करने के लिए ये मैंने मंगवाया है द्राज से ऑनलाइन तो इसको मैंने डब्बे वगैरह से निकाल लिया है तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इंशाल्लाह प्रोडक्ट जो है ये फ़ोन होल्डर है और भाई साहब देखने में तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है वेट इसका टू हंड्रेड ग्राम है तो अभी इसको निकालते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर से और आप सब दोस्तों को मैं दिखाता हूँ इधर मेरे पास सेल्फी स्टिक भी मौजूद है पहले मैं जब व्लॉग बनाया करता था स्टार्ट में तो सेल्फ़ी स्टिक का भी इस्तेमाल किया करता था खैर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है सेल्फी स्टिक का ये भी मेरे गैजेट्स में शामिल है अच्छा जी भाई साहब जो मैंने द्राज से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ की है ना माशाल्लाह बड़ी कमाल की प्रोडक्ट चेज परचेज़ की है भाई साहब मैंने ये चेक करें ये गाड़ी के जो अंदर वाला मिरर होता है ना उसके साथ यहाँ से लग जाएगी और इससे मोबाइल होल्डर जो है ना वो मोबाइल होल्ड कर लेगा तो व्लॉग वग़ैरह बनाने में गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत आसानी हो जाएगी बिल्कुल सेम इस तरह जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थ्री सिक्सटी में मूव भी कर सकते हैं और इसकी लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छा गैजेट है दराज से मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये वाला गैजेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इससे होगा क्या होगा ये कि आप बड़ी इज़िली गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं और अपना व्लॉग जो है बड़े आराम से बना सकते हैं हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और भाई साहब दराज का बहुत शुक्रिया अपने बिलोक के थ्रू मैं करता हूं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मुझे डिलीवर की है इसका मटेरियल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है प्लास्टिक जो है ना इसका ये वाली जो क्वालिटी है ना माशाला ये काफी कमाल की है यहां पर इस जगह पर जो है वो मोबाइल होल्ड कर सकते हैं इसको थ्री सिक्सटी मूव भी कर सकते हैं और माशाला इसको जो है बड़े आराम से हम यूज करते हुए अपना व्लॉग गाड़ी में बैठ के बना सकते हैं इधर मेरे पास सेल्फी स्टिक भी है ट्राईपोर्ड है ये मेरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर है ये मेरा फेवरेट लैपटॉप है अलहमदिल्ला और भाई साहब ये वाली बड़ी कमाल की चीज़ है ये वाली जो चीज़ है ना गर्मियाँ आने वाली हैं तो इसका इस्तेमाल करते हुए मेरा लैपटॉप गर्म नहीं होता नीचे से फ़ैन की हवा चलना स्टार्ट हो जाती है डाटा केबल के, के थ्रू मैं इसको लगा लेता हूँ तो फ़ैन के थ्रू ना मतलब मेरा लैपटॉप यूज़ करते हुए गर्म नहीं होता तो भाई साहब ये थे मेरे गैजेट्स Uh, अभी मैं आप दोस्तों को अपना लैपटॉप का बैग भी दिखाता हूं जो मैंने एक जगह से परचेज़ किया हुआ है बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर में, में मेरे पास बैग मौजूद है उसमें मेरा लैपटॉप और लैपटॉप की चीजें और मेरे अजीज दोस्तों मेरे प्यारे व्यूवर्स गैजेट के हवाले से मेरा ये था आज का व्लॉग लाइक करना ना भूलिएगा शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे अगले आने वाले व्लॉग्स आप सब अजीज़ दोस्तों तक पहुँच सकें भाई साहब ये बड़ी कमाल की चीज़ मंगवाई है मैंने अलहमदिल्ला आई एम सो हैप्पी फॉर दिस तो भाई साहब अभी मैं आप सबको लैपटॉप का बैग दिखाता हूँ अपना बड़ा प्यारा बैग जो है वो मैं लैपटॉप के लिए इस्तेमाल करता हूँ और गैजेट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ जी भाई साहब गैजेट्स में मेरा बैग भी आ जाता है क्योंकि बैग भी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना लैपटॉप और गैजेट्स वगैरह अपनी चीज़ें रखने के लिए ये वाला बैग जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ माशाल्लाह बड़ा कमाल का बैग है ये मैंने एक जगह से परचेज़ किया था अपने ही सिटी गोजरा से ही परचेज़ किया था लेकिन माशाल्लाह क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है लेदर में इसका जो है मटीरियल है और बहुत अच्छा सच हुआ हुआ है तो लैपटॉप भी इसमें आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं मेरी अलहमदिल्ला काफ़ी मज़े की चीज़ है तो अज़ीज़ दोस्तों आलमोस्ट ये गैजेट्स मैं जो इस्तेमाल करता हूँ अपने व्लॉग्स बनाने के लिए उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आए होंगे तो इनशाला इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ बिलाग्स और कंटेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ आप दोस्तों के साथ नेक्स्ट भी मैं शेयर करता रहूँगा दोस्तों अलहमद लाला ये था मेरा आज का ब्लॉग मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को अजीज़ों को फैमिली मेम्बर्स को मेरा बिलाग पसंद आया होगा अजीज दोस्तों इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स और बिलाग्स इनशाला नेक्स्ट भी आप सबके लिए लेके आता रहूँगा मेरे आज के व्लॉग को लाइक कर लीजिएगा शेयर कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप व्यूवर्स में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से

में आल तला मुकाम अता फरमा दे तो अजीज दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिजान